हेलो फ्रेंड्स, माई स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, हमारे पास ऐसा कोई रामबाण नहीं है जिससे आपको मैं 10 मिनट 20 मिनट में उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ा सकूँ। हाँ, एक काम मैं ज़रूर करूँगा कि आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस मैं ज़रूर कराऊँगा और कुल इसमें मैं आपको 10 पार्ट प्रोवाइड करूँगा, जिसमें से ये पहला पार्ट है। जैसे कि ऊपर कॉर्नर में देख रहे ना, पहला पार्ट, और इसमें हम बात करेंगे सिर्फ नदी तंत्र, झीलें और ऊर्जा संसाधन के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश की एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, उसके रिवर सिस्टम क्या है, उसके लेक कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बातें करेंगे। तो बहुत सारी आपको एडिशनल जानकारी आज मिलने वाली है। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल से रहता है, और ख़ासकर अगर हम बात करेंगे UPSC के एग्ज़ाम में तो अच्छे खासे प्रश्न आपकी यूपी स्पेशल से पूछते हैं। तो हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करेंगे और आप इसी तरह बने रहिए। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है गंगा नदी को। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से और इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। आसान है दोस्तों ना याद करना, 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525, ठीक है, यानी 2525 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है, और इसको जलमार्ग संख्या 1 के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और कहाँ से कहाँ तक? तो याद रखिए, हल्दिया से इलाहाबाद तक ये जलमार्ग विकसित किया जा रहा है। अगला है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है दोस्तों शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी है जो नहर है वो है शारदा नहर, और ये शारदा नदी से भी निकलती है, और शारदा नदी के और भी सारे नाम है, जैसे काली नदी भी इसी का नाम है, काली, महाकाली, ठीक है, ये इसी का नाम है। तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? ठीक है, ऑप्शन है शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, और गोकुल बराज और पथरई। तो थोड़ा सा जान लीजिए, जो शारदा सहायक है ये शारदा नदी से निकाली गई है नहर परियोजना, और ये सिंचाई के साधन में काम आती है। जो ज्ञानपुर है ये इलाहाबाद में है, ये इलाहाबाद में है ज्ञानपुर पंप नहर योजना, और गोकुल बैराज ये जो है ये पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए आगरा के पास यमुना नदी से निकाला गया है इसको। अब पथरई जो बांध है, पथरई बांध दोस्तों झांसी में है, पथरई नदी है झांसी के पास, और वहीं से ये पथरई बांध भी बनाया गया है। तो याद रखना, जो पेयजल परियोजना है वो कौन सा है? गोकुल बैराज परियोजना। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो सबसे फेमस है गंगा नदी, और इसी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी घोषित किया है, ठीक है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? याद करिए, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिए, हथनी कुंड परियोजना जो है ये यमुना नदी पर बनी हुई है। किस पे? यमुना नदी पर, बहुत ही फेमस है। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, कुछ नए तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे, और बिल्कुल आप इसमें परेशान मत होइएगा कि इस तरह के प्रश्न सर कहाँ से आ रहे हैं। हथनी कुंड परियोजना किस पे बना हुआ है? तो यमुना नदी पर बना हुआ है। माता टीला बांध परियोजना, माता टीला बांध परियोजना है ये झांसी के पास ही है, बेतवा नदी पर। याद रखिए, इसी का नाम है रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, याद रहेगा आपको, रानी लक्ष्मीबाई। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो माता टीला बांध जो है ये बेतवा नदी पे आपको पता है, रिहंद बांध रिहत पे होता है ये भी पता है, रानी लक्ष्मीबाई बेतवा, देखिए रानी लक्ष्मीबाई ही माता टीला है, या माता टीला ही रानी लक्ष्मीबाई है, तो वो जानबूझकर आपके कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि आप परेशान हो। और जो राजघाट बांध है ये यमुना पे नहीं है, ये भी आपका बेतवा नदी पर बना हुआ है, ठीक है, याद रहेगा आपको, ये भी आपके बेतवा नदी पर ही है, राजघाट परियोजना। तो दो परियोजना है वहाँ पे, एक माता टीला बांध परियोजना, एक राजघाट परियोजना, ये दोनों की दोनों परियोजनाएं बेतवा नदी पर हैं। इसके बाद बोल रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है और आपको सेट करना है, और ये कुछ शहरों के नाम है और ये नदियों के नाम है, यानी हमको बताना है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। तो बिठूर जो है दोस्तों ये गंगा नदी के किनारे है, कानपुर के पास पड़ता है बिठूर, ठीक है। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। जौनपुर सई नदी के किनारे नहीं दोस्तों, जौनपुर जो है ये गोमती नदी के किनारे है, ठीक है, सई जौनपुर से नहीं बहती है, जौनपुर के थोड़ा दूर से ही बहती है सई नदी, थोड़ा सा दूर। यहाँ पे दो और नदियाँ हैं, एक सई है, एक मंगई नदी है, ठीक है, लेकिन जो जौनपुर है वो स्पेशली गोमती
नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और कौसाम्बी आपको पता है ये इलाहाबाद से थोड़ी दूर पर है और ये यमुना नदी के किनारे है, ठीक है, तो याद रखिएगा। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है और ये किस पे बनाई जा रही है, तो याद करिए अभी मैंने पीछे आपको बताया है राजघाट जो परियोजना है ये दोनों प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है और ये बनाई जा रही है बेतवा पर, राजघाट बेतवा। बताया था ना कि दो ही परियोजना है, एक आपका माता टीला जिसको हम रानी लक्ष्मीबाई बोलते हैं, दूसरा राजघाट। अगला है निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया जा रहा है, तो राजघाट बांध, ये तो हमने पढ़ ही लिया। इसके बाद है फुलहर झील भारत के किस राज्य में है, तो याद रखिए फुलहर झील जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है, परीक्षा बांध, तो ये आपको बताना है, बता सकते हैं किसी को याद है परीक्षा बांध किस नदी पर बना हुआ है, बेतवा नदी पर ही बना हुआ है दोस्तों परीक्षा बांध, ठीक है। तो देख रहे हैं कि बेतवा से इधर भी थोड़ा सा प्रश्न जो है ज़्यादा आ रहा है कि नहीं, तो परीक्षा बांध कहाँ पे है, बेतवा। 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना, तो विहार जलप्रपात इसका नाम है, ये टोंस नदी पर बना हुआ है, किस पे, टोंस नदी पर 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध, तो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी नहर थी शारदा नहर, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध, ये जो है सबसे ऊंचा बांध है। इसके बाद है निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनलिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है, तो अवनलिका क्षरण के लिए चंबल नदी प्रसिद्ध जो है फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े जो है अवनलिका क्षरण का बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े जैसे नदी के किनारे फैले होते हैं, अरे जहाँ शूटिंग हुई यार शोले वगैरह की, तो ये वही स्थान है चंबल, ठीक है। प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई होती है, तो याद रखिए जो पूर्वी हिस्सा है उत्तर प्रदेश का उधर पे सिंचाई के साधन सही नहीं है, और पश्चिमी हिस्से में यानी इस वाले साइड में सिंचाई के अच्छे साधन उपलब्ध हैं, तो उत्तर आपका क्या होगा, पश्चिमी क्षेत्र। इसके बाद निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, मैंने पीछे आपको बताया था राप्ती नदी के तट पर दोस्तों गोरखपुर स्थित है, हालांकि यहाँ अगर मैं बात करूँ गोरखपुर और मैं बात करूँ आजमगढ़ की, तो दोनों के बीच से निकलती घाघरा नदी, दोरीघाट के पास से जाती है घाघरा नदी, ठीक है। इसी तरह से निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है, बताना है दोस्तों कि इसमें से कौन सी नदी है जो उत्तर दिशा में नहीं बहती है, ठीक है। तो देखिए उत्तर दिशा में गंडक नदी जो है उत्तर दिशा में नहीं बहती, बाकी बेतवा हो गया आपका, केन हो गया, केन आके यमुना में मिल जाती है, इसी तरह चंबल हो गया, ये भी यमुना में मिल जाती है, तो ये जो तीनों की तीनों नदियाँ हैं ये उत्तर दिशा की तरफ बहती है, लेकिन जो गंडक है ये जो है इसको मैं दक्षिण भी नहीं बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ जैसे ये अगर ये उत्तर है ये दक्षिण है ये पूर्व है, तो इसको बोल सकता हूँ मैं दक्षिण पूर्व, इधर बहती है, ठीक है, दक्षिण पूर्व साइड बहती है, कौन सी, तो गंडक नदी। इसके बाद है कि सुमेलित करना है आपको, तो सुमेलित करने में हम लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, थोड़ा सा आप साथ दीजिएगा। अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे है, जौनपुर गोमती नदी किनारे है, मथुरा यमुना नदी किनारे है, और चित्रकूट मंदाकिनी नदी किनारे है। एक मंदाकिनी नदी और है दोस्तों, वो है आपका कहाँ पे, अलकनंदा और मंदाकिनी दो नदियाँ हैं ना, वो आपके बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के पास हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मंदाकिनी नदी चित्रकूट के पास है, तो कूट आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर लेना, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नलकूपों से सिंचाई होती है, तो ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश ही वह राज्य है जहाँ पे नलकूपों के माध्यम से सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि नहरों का उतना ज़्यादा प्रचलन हमारे यहाँ नहीं है। नहरें आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगी पंजाब साइड, वहाँ बहुत नहरों के माध्यम से बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है, ठीक है। इसी तरह से निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है, ये आपको बताना है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सबसे लंबी नहर है, तो मैंने आपको पीछे बताया भी था सबसे लंबी नहर कौन सा है, शारदा नहर, ठीक है, शारदा नहर। इसके बाद है सूची एक को दो से मिलान करना है, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। दोस्तों जिन लोगों ने मेरा नदी वाला वीडियो नहीं देखा है वो लोग कृपया करके देख लें, क्योंकि अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्लेलिस्ट में जो भी चीज़ें उनको नहीं देखोगे तो 2018 में जो सक्सेस की प्लान कर रहे हो कैसे पूरा होगा। भाई सक्सेस होने के लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, और मेहनत आप करने से बचोगे, हर चीज़ में शॉर्टकट लोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझिए और उसको पढ़ते भी चलिए। तो यहाँ आपको बताना है कि
जो है रुद्रप्रयाग, जैसे बोला रुद्रप्रयाग ये संगम है, रुद्रप्रयाग दो नदियों के संगम पे मिलता है। तो याद रखिए रुद्रप्रयाग जो है ना, ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जहाँ पे मिलती है वहाँ पे रुद्रप्रयाग है। ठीक है, अगर मैं बात करूँगा नंदप्रयाग की, तो अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है, नंदाकिनी ये जो नदी है यहाँ पे नंदप्रयाग है, नंदाकिनी के नाम पे ही इसको नंदप्रयाग बोला जाता है। कर्णप्रयाग है जो दोस्तों, ये अलकनंदा और पिंडार नदी है, पिंडार नदी। और देवप्रयाग जो है वो भागीरथी और अलकनंदा। तो कैसे याद रखोगे, देखो भागीरथी को बोला जाता है देवी, तो देवी से देव बना लो तो देवप्रयाग, तो भागीरथी, और कहीं ऑप्शन नहीं है ना, तो भागीरथी में से देखो भागीरथी का मुलाकात अलकनंदा, अलकनंदा के साथ होता है। अलकनंदा कामन नदी है, आपको एक कामन नदी मिलेगी यहाँ पे। अलकनंदा देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब एक उत्तर तो आपको फिक्स है इन चारों में कि अलकनंदा आपको हर जगह मिलनी है। अब बात आती है किसके साथ मंदाकिनी है, किसके साथ भागीरथी है, पिंडार है और नंदाकिनी है। तो देव 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 की बात करेंगे, देवी गंगा देवी की, ठीक है, वो हो जाएगा देवप्रयाग। नंद से बन जाएगा नंदाकिनी, दो ऐसे ही हो गए, दो ऐसे ही हो गए। रुद्र, तो रुद्र माने भगवान की बात कर रहा है, और भगवान मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड, यानी मंदाकिनी। रुद्र माने शिव, शिव माने मंदाकिनी, लेके चल सकते हैं। तो बाकी कर्ण क्या हो जाएगा, पिंडार, पिंडारियों का दमन, कर्ण। ठीक है, तो इस तरह से कोरिलेट करके चीज़ों को समझिए और याद करते हुए चलिए, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, तो आपको बड़े ध्यान से और बड़े टेक्निक के साथ पढ़ना है, ऐसे खाली हवा हवाई में काम नहीं करना है, क्योंकि अब समय आ गया है और आपको सही स्ट्रेटजी में जो है काम करना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, दाहिने। अब मान लीजिए कि गंगा ऐसे बह रही है, तो इसका दाहिना किनारा कौन होगा, तो ये हो जाएगा आपका बायां साइड और ये हो जाएगा आपका दाहिना साइड। कह रहा है कौन सा शहर इसमें से है जो दाहिने किनारे पर नहीं है, मतलब कि जो बाएं पर है। इसका मतलब क्या हुआ, दाहिने पे नहीं है मतलब कहाँ पर है, बाएं पर। तो यहाँ पे आपको देखो बाएं पे मिल जाएगा सिर्फ एक जगह, वो है आपका क्या, वाराणसी, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी जो है ये आपके दाहिने किनारे पर नहीं है, मतलब कहाँ पे, किस किनारे पर है, बाएं है। ठीक है, ये आप लेके चलिएगा, अगर इस तरह से आप चीज़ों को समझोगे तभी जो है समझ पाओगे। इसके बाद है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना। ये तो पीछे बोल चुका है यार, बेतवा नदी पर, कितने बार एक ही प्रश्न रिपीट कर रहा है, बेतवा पर था ना, तो बेतवा नदी पर बना है राजघाट परियोजना। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है, मैंने बताया कि ज़्यादातर सिंचाई नलकूपों के माध्यम से होती है, नहरों का जो है प्रयोग उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आपको फिर भी यहाँ एक कूट सेट करना है कि कौन सा उत्तर जो है सही है। तो सबसे ज़्यादा नलकूपों का होता है यह पता है, और सबसे कम किसका होता है, तो अब देखिए नलकूपों के बाद अब ऑप्शन के हिसाब से आपको भाई डील करना है, या जैसा ऑप्शन मिलेगा वैसा आपको काम भी करना है। तो सबसे ज़्यादा तो नलकूपों पे, मतलब आपका उत्तर जो है ए और डी तो नहीं हो सकता, यानी आपका उत्तर क्या होगा, चाहे बी चाहे सी। तो देखो कैसे हम बात करते हैं, अब अन्य साधन में तो दे नहीं रहा कि यार, अन्य साधन में किसकी बात कर रहा है, अन्य साधन तो कुछ भी हो सकता, हो सकता है पाइप लेके छिड़कने की बात करो, हो सकता है बल्टी लोटा से डालो आप, तो ऐसे थोड़े होता है। यानी चौथा ऑप्शन आपको लास्ट में डालना पड़ेगा, तो आपका एक आंसर राइट हो जाएगा, वो आंसर होगा क्या, बी। अगर आप अन्य साधन को पहले ला दोगे तो फिर ये तो आप ये साबित करना चाह रहे हो कि तालाब कुआं नहर सब फेल है अन्य साधन के अलावा, तो अन्य साधन में बताया नहीं है ना, अगर बता देता है यहाँ पे कोई चीज़ तो उसी हिसाब से हम अपना ऑप्शन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, ये बताना है आपको कि ये किस जगह अवस्थित है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो ये दोस्तों सोनभद्र में है, एक कृत्रिम सागर है, झील है, सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है, कौन सा जिला अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित है, तो हमीरपुर जिला है, हमीरपुर का नाम सुना है ना, हमीरपुर जिला है ये, अर्जुन बांध यहाँ से गुजरा हुआ है और अर्जुन बांध के माध्यम से यहाँ अच्छे से खेतों की सिंचाई की जाती है। हालांकि पूर्वी साइड में, अगर उत्तर प्रदेश के पूर्वी साइड में देखेंगे तो यहाँ नहरों का प्रचलन उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पश्चिमी साइड में नहरों का प्रचलन थोड़ा सा पूर्वी की अपेक्षा अधिक है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। रानी लक्ष्मीबाई बांध तो ये मैंने आपको बता चुका है कि इसी का नाम है माता टीला बांध, और ये बेतवा नदी पर। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में हम रहता है, सोनभद्र में है, उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, फिर से वही प्रश्न पूछ दिया आपसे, रिपीट कर रहा है बार बार, घुमा घुमा के प्रश्न खाली पूछ रहा है, और उसका कोई मतलब नहीं, तो नलकूप आपका उत्तर है। निम्न में से नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, किस जगह सबसे अधिक है, तो याद करिए आप नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है, नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में, तो आपका उत्तर भी क्या बनेगा,
उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसी तरह अगला है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? ओबरा, तो ओबरा जो जल विद्युत केंद्र है दोस्तों, ये बना हुआ है रिहंद नदी पर। किस पे? ओबरा जल विद्युत केंद्र किस पे है? रिहंद पर। तो रारी, ओबरा रारी, रारी तो ओबरा, रा से ओबरा हो गया और री से रिहंद हो गया, ठीक है ना। तो इसको याद करके चलिएगा। नरोरा आणविक संयंत्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये नरोरा जो है, एक्चुअली हम इसको नरोरा पढ़ते हैं, नरोरा सही मीनिंग क्या है, नरोरा। तो नरोरा जो है ये है बुलंदशहर में, कहाँ पर है? बुलंदशहर में, ठीक है। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है, तो किस जगह यह स्थापना की गई, आपको बताना है। यह स्थापना हुआ है रोजा में, कहाँ पे? रोजा में, ठीक है। इसी तरह निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना बनाई जा रही है? कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना? तो ये बनाया जा रहा है नरोरा में, और मैंने पीछे बताया कि नरोरा कहाँ पे है, बुलंदशहर में। नरोरा कहाँ पे है? बुलंद शहर में, ठीक ना। रो रहा है तो आपको याद को, नहीं रो नहीं रहा है, क्यों नहीं रो रहा है, क्योंकि बुलंद है, कैसा है, बुलंद है, इसलिए रो नहीं रहा, न रो रहा, ठीक है ना। तो बुलंद शहर याद रहेगा आपको। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किफ नदी पर बना हुआ है? बहुत प्रश्न आ गया माता टीला से, बेतवा नदियाँ एकदम रट गया, माता टीला, रानी लक्ष्मी बाई, बाद राजघाट परियोजना, ये सब तो एकदम रट जाइए आप। निम्न में से कौन एक तापीय परियोजना का, कौन निम्न में से कौन एक, कौन तापीय परियोजना निजी क्षेत्र का है, ठीक है। तो कौन सा इसमें से जो निजी, मतलब जो प्राइवेट है, ये बताना आपको। तो याद रखिए अनपरा सी, अनपरा ए और ओबरा सी मत करिएगा, देखिए अनपरा सी बहुत ही थोड़ा सा क्रिटिकल है दोस्तों, ये प्रश्न आने के बाद लोग गलती तो कर भी करेंगे, क्योंकि बात लोग ध्यान अनपरा पे जरूर देते हैं, लेकिन अनपरा में भी कौन सा, तो याद रखिएगा तापीय जो है वो सी है, तापीय जो क्या है, कितने पे है, सी। तो सी में सी किस नंबर पे आता है, तीन नंबर पे, और तापीय जो वर्ड है ये भी कितने नंबर का है, तीन नंबर का। तो तीन से तीन याद रखिएगा, क्योंकि आपको याद आना चाहिए टाइम पे, इसलिए मैंने ये ट्रिक आपको देते चलना हो ताकि आप याद रखो। तो तापीय जो परियोजना है वो अनपरा सी है। निम्न में से कौन तापीय परियोजना नहीं है, चलो वो सी तो हमको समझ में आ गया, ये पूछ रहा है कि कौन सी तापीय परियोजना है ही नहीं, तो रिहंद में जो है, जो रिहंद पे बना हुआ है वो तापी परियोजना नहीं है, रिहंद पर। और रिहंद पे क्या बना था, ओबरा, और ओबरा जल विद्युत परियोजना था ना, ओबरा में क्या था, रारी बताया था ना, तो ये था जल विद्युत परियोजना, और यहाँ तो तापी की बात कर रहा है, तो रिहंद नदी है नाम है, नदी पे तापी परियोजना कोई चांस ही नहीं बनता है। हाँ, जो परीक्षा है ये आपका झांसी के पास है, तो ये आपके यहाँ पे हो गया हरदुआगंज, चंदौसी, इन सभी जगहों पे तापी परियोजना है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, ऊर्जा का कौन सा रूप है जहाँ पे प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, बताइए, गेस करिए, एक बार गेस करिए ना, जैसे कि अगर आता है नहीं आता हो तो बात की बात। अरे यार, सूर्य से जो भी ऊर्जा मिलती है वहाँ कोई प्रदूषण की वाली बात नहीं होती, सौर ऊर्जा हम लोग बोलते हैं ना, सौर्य वहाँ लिखा है, यहाँ हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा का, ठीक है। सौर ऊर्जा से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है, कौन सा नहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन केंद्र है, ये बताना आपको, बताइए। तो याद रखिए ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर ये गंगा से निकाली गई है, कई है गंगा में, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, तो इस तरह से कई हैं। तो ऊपरी गंगा नहर पर सबसे ज़्यादा जल विद्युत परियोजनाएँ हैं, और अगर हम बात करें शारदा नहर की, तो ये सबसे लंबी नहर है, ये सबसे लंबी नहर है। उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है उत्तर प्रदेश में, आपको ये बताना है, और आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, नाभिकीय, पेट्रोल, तापीय, जल ऊर्जा, कैसे। तो याद रखिए तापीय ऊर्जा पे फोकस थोड़ा उत्तर प्रदेश का ज़्यादा है, ठीक है। जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल, इन सब के मामले में उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि तापीय ऊर्जा के मामले में है, उत्तर प्रदेश में इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में निम्न तापी संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, थर्मल जहां बात आई थर्मल की, बात आ गया ताप की, तो वही फिर से मैं ताप पे पहुंच गया, और यही नंबर वन पे है। तो कह रहा इसमें से, इन चारों में से कौन सा तापीय नहीं है, अगर ये आपको बताना है तो कैसे बताओगे, बताइए। इसमें से जो ओबरा है वो नहीं है, इसमें से जो ओबरा है, क्योंकि ओबरा मैंने बताया ना रारी, तो रारी क्या, ओबरा, रासेरी, रीसेरी,
रिहंद, तो ओबरा है रिहंद पर और रिहंद माने नदी पर, तो ये जल विद्युत परियोजना है, ये जो है थर्मल पावर का प्लान नहीं है, ठीक है, ये जो है थर्मल पावर का प्लान नहीं है। तो आप याद रखिए, इसी तरह से अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो अपने आप चीज़ें याद होंगी। तो ऊंचा हार हो गया, ऊंचा हार दोस्तों आप लखनऊ इलाहाबाद से जब लखनऊ रूट पे जाओगे तो वहाँ ऊंचा हार पड़ेगा, तो ऊंचा हार संयंत्र हो गया, औरैया हो गया, टांडा हो गया, इन सब जगहों पर NTPC द्वारा संयंत्र बनाए गए हैं। शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है, शीतला जल विद्युत परियोजना ये झांसी में है, ये कहाँ पर स्थित है, शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में। इसी तरह से हमने देखा था गोकुल बैराज कैसा परियोजना था, पेयजल परियोजना, और ये आगरा के पास, ठीक है, कि आगरा में जो पानी की पीने की समस्या है वो दूर हो सके, इसके लिए गोकुल बैराज परियोजना शुरू की गई थी। प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा जो कि बुलंदशहर में है, तो नहीं रो रहा है मतलब क्योंकि बहुत बुलंद है, तो कह रहा है परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ध्यान दीजिएगा, परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा की प्रथम इकाई चालू हुई थी। आपको बताना है कि ये कब चालू हुई थी, किस सन में चालू हुई थी, बस इतनी सी बात। तो ये चालू हुई थी 1991 में, 1991 में, तो ऐसे याद कर सकते हो, स्टडी 91 में चालू हुई थी, ठीक है। प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई है, और आपको बताना है कि ये संस्थान कब बना है, ठीक है, तो याद रखिए ये संस्थान बना 1983 में, ठीक है। वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान कब बना है, 1983 में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, मैंने अभी पीछे बताया नहीं रो रहा है क्यों, बुलंदशहर में, तो वहीं पर है परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो आपको तुरंत इंडिकेट हो जाना चाहिए कि आपका उत्तर क्या कहना चाहता है, ठीक है, तो नरौरा आंसर हो जाएगा आपका। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई, तो ओबरा में क्या था, ओबरा रारी, रारी मतलब रिहंद, रिहंद मतलब जल परियोजना, यहाँ पे जल विद्युत परियोजना है, और हमसे पूछ रहा है किस देश की हेल्प से ये परियोजना जो है चालू की गई थी भारत में, ठीक है, तो बताइए कौन सा देश है, उस देश का नाम है सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस, ठीक है। माता टीला बांध परियोजना, यार गजब यार, माता टीला के मतलब पीछे पड़ गया एकदम से कि उसको बता दे, अरे झांसी के पास है, उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित NTPC संयंत्रों में से कौन सा गैस आधारित नहीं है, गैस NTPC का तो है लेकिन इसमें कह रहा है कि कौन सा गैस आधारित नहीं है, तो याद रखिए जो टांडा वाला है गैस आधारित नहीं है, बाकी औरैया, दादरी और आंवला ये तीनों जगह का जो NTPC संयंत्र है ये गैस आधारित है। कौन सा नहीं है, तो टांडा में जो गैस संयंत्र लगे हैं NTPC के वो नहीं है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और ज़रूर से दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और सारे वीडियो देखेंगे और अलग अलग टॉपिक के देखेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि कई नई सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी। दोस्तों स्टडी 91 चैनल एक मात्र ऐसा चैनल है जहाँ सभी विषयों की डिटेल में जानकारी दी जाती है, तो अगर आप किसी भी विषय में कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट में आ जाइए और अपने मनचाहे विषय को देखिए और पढ़िए, ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। दोस्तों मैंने एक हेल्प मी नाम से वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा एक बार आप उसको देख लो, और बस इतना ही। साथ ही दोस्तों अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है तो प्लीज़ उस ऐड को पूरा देखा करिए, ऐड को स्किप मत किया करिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के सिर्फ एक निवेदन करता हूँ कि इतना पढ़ाने के पीछे, इतना मेहनत के पीछे आप सिर्फ इतना और इतना कर दो कि वीडियो पे जो भी ऐड आता है उस ऐड को पूरा देखा करो, दिन भर में 4-6 बार देख लिया करो ऐड, बस इतनी सी बातें। चलिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि मेरे ऐसे भाइयों बहनों के पास पहुंच पाए जिनको पढ़ने में असमर्थता है, किसी तरीके से वे कमज़ोर हैं, उनका कोई मदद और हेल्प करने वाला नहीं, अगर उनके तक वीडियो जाएगा तो जान लीजिए कि मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए ताकि मेरे हर भाई बहन पढ़ सकें। थैंक यू सो मच।